बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हमारा स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, यूं हम उर्दू में इसका मतलब निकाल रहे हैं कि इसका मतलब है हरकत और सहारा, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो आज हमने पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। आप देखें, अगर हम जानवरों को देखें, अब हमें पता है कि पौधे तो हरकत नहीं करते, वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं। अगर हम जानवरों को लें, हम अपने जिस्म को लें, तो हर इंसान का देखें वजन कितना होता है, 80 किलो, 90 किलो, और 100 से भी अबाव होते हैं। एलिफेंट का वजन बहुत ज़्यादा होता है, जुराफा आप देख लें, हर एक की बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, उसका वेट भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है। तो मास डिफरेंट होने की वजह से उस मास को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसमें हरकत करनी है तो वो सहारा कौन देता है, उसी के बारे में तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना। देखिए, हर जानवर जानदार जो होता है वो जानवर दो तरह की हरकत करता है। एक वो हरकत करता है कि जैसे मैं एक जगह पे फिक्स हूँ, मैं अपने बाजू हिला रहा हूँ, अपना सर हिला रहा हूँ, अपने आप को राइट लेफ्ट में कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक हरकत है। एक मेरी वो हरकत है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं चल के यहाँ आ गया, मैं चल के यहाँ आ गया। अब वो हरकत जिसमें मेरा पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। तो हमने ये पढ़ना है कि हमारी बॉडी में लोकोमोशन कैसे होती है। फिर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, मैं अपने बाजू को ऊपर कर रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहा हूँ, ये मेरी पोजिशन एक है, मैं एक जगह पे हूँ, लेकिन मेरे जिस्म के हिस्से हरकत कर रहे हैं। इसे हम नकल मकानी भी कहते हैं, इसे हम मूवमेंट भी कहते हैं, इसे हम हरकत भी कहते हैं। तो लोकोमोशन और हरकत में बस इतना ही फर्क है कि हम अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकतें को जो लोकोमोशन है वो पूरा एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन को तब्दील करती है, वो जगह छोड़ के किसी और जगह। तो इस चैप्टर में हमने अपने का जो मुख्तसर ये कि अपने ढांचे को डिस्कस करना, स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस करना। हमारे स्केलेटन सिस्टम में बोन्स जो होती हैं, जो हड्डियाँ, अब मैं देख देता हूँ कि हमने स्केलेटन सिस्टम में पढ़ना है। हमने स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले बोन्स को पढ़ना, बोन्स यानी हड्डियों के बारे में। दूसरे नंबर पे हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ना, कार्टिलेज। तीसरे नंबर पे हमने जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में पढ़ना, जिस आर्डर से मुराद जो बीमारियां होती हैं। इसके अलावा हम मसल्स का फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो ये चार चीज़ें वो मेजर चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि हड्डियां हमारे जिस्म में क्या काम करती हैं, हड्डियों की शेप कैसे होती है, हड्डियों की मूवमेंट कैसे होती है। इसके अलावा आप देखिए, हमारे जिस्म में जोड़ हैं, हमारे जिस्म के जोड़ कैसे हरकत कर रहे हैं, उसमें कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज की कितनी इकसाम होती है, ये हमने पढ़ना है। उसके अलावा हमने मसल्स के बारे में पढ़ना है। हमारे मसल्स हैं, जैसे आप ये देखें, मेरा मसल जिधर को करोगे ये फूल गया, नीचे से सुकड़ गया, ऊपर को चला गया नीचे से। अब नीचे मैं ऐसे करूँगा तो नीचे वाला जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर वाला में जो है ना वो खिंचाव आ जाएगा। तो ये रिलैक्स जो होते हैं, खिंचाव कैसे है, मेरा बाजू ऊपर कैसे उठता है, नीचे कैसे जाता है, ये भी हमने मसल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम ये पूरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने डिसऑर्डर पढ़ने हैं कि हड्डियों की कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी बीमारी कार्टिलेज की वजह से होती है, हड्डियों की वजह से होती है, और मसल्स के फंक्शन की खराबी की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है, और ये लॉन्ग सवाल के लिहाज से 10th क्लास का बहुत अहम चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम आम लफ्जों में यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी पूरी बुक का सबसे छोटा चैप्टर ये और सबसे आसान चैप्टर ये, और ये वो चैप्टर है जिसको हर बच्चे के लिए पूरा याद करना इंतहाई आसान है।
मैं शॉर्ट आंसर आपको पहले समर वोकेशन वाला काम इसमें से करवाऊंगा, उसके बाद जो है ना जितना भी टाइम हमारे पास होगा ऑनलाइन लेक्चर्स में हम इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, पूरे चैप्टर के लॉन्ग सवाल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट आंसर के लिहाज से भी याद करना है और लॉन्ग सवाल के लिहाज से भी याद करना है। और बहुत वो बच्चे जो जिन्हें बहुत देर से याद होता है वो भी ये चैप्टर बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। तो आप लोगों ने पहली बात ये कि मैंने 10th क्लास का जो पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया है होमियोस्टेसिस, इसका मैंने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक लिंक शेयर किया, उस लिंक में आपने टेस्ट जब सॉल्व करना है तो उसमें आपने बेटा सबसे पहले अपना नाम, फिर फादर का नाम, अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखना है। अगर है नहीं है तो आप उसकी जगह पे कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर लिख दें, आप उसकी जगह को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा फादर कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखना है। अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर की वजह से तो आप उसकी जगह पे कहना वो 3-4 दफ़ा 00 लिख दें तो पता चल जाएगा कि आपका साथी कोई फोन नंबर नहीं। उसके बाद आपने एमसीक्यूज की जो ऑप्शन होगी उसको क्लिक करते जाना है और एंड पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। वो टेस्ट आपको इसलिए दिया जाता है कि हमें भी पता चले कि बच्चे घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं और आपने इंतहाई सिंसियरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ आपने बेटा बैठ के वो टेस्ट सॉल्व करना है ताकि उसका हमें आउटपुट पता चल जाए कि बच्चे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कम्प्लीट हुआ। अगले लेक्चर में बेटा स्कोडर मूवमेंट का जो है वो कैदा उसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। आपके नोट निकाल के इसका इंट्रोडक्शन लाजमी पढ़िएगा ताकि आपके लिए जो है वो आगे जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें आपके लिए आसानी हो। इतना आज के लिए इतना ही पढ़ना।